बद्रीहा में नदी की जमीन और देवभूमि की जमीन पर अतिक्रमण करने का मामला सोमवार को 12 बजे सामने आया। इन दोनों शिकायत पर अंचलाधिकारी मोहम्मद असलम स्थल पर पहुंचे और जांच की। यहां चल रहे निर्माण कार्य को रोक लगा दिया है, साथ ही जिन पर आरोप लगा है उन्हें कागजात लेकर कार्यालय बुलाया गया है। बताया गया कि यहां एक जमीन पर भव्य भवन बनाने का काम चल रहा था, जिसका विरोध ग्रामीणों ने किया। यहां के मुखिया मनोज पासी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता तेजलाल मंडल ने सीओ से शिकायत की है। कहा है कि जिस स्थान पर बंकाबिड़ धर्म स्थल है उसका अतिक्रमण किया जा रहा है। इसकी शिकायत की गई तो जांच हुई है। वहीं तेजलाल मंडल ने कहा कि गांव में सरकारी भूमि कुछ एक स्थान पर बची है, जिसका उपयोग समाज के लिए किया जाता है, इसका भी अतिक्रमण किया जाने लगा है। कहा कि फर्जी कागजात के सहारे देवभूमि को कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। गैरमजरूआ जमीन है जो फागुतुरी को बंदोबस्त हुआ था, फिर बंदोबस्ती उसकी टूट गई है, तो ये लोग अपील में गए थे, तो उसके बावजूद ये लोग मामला सब ड्यूटी होने के बावजूद ये लोग काम कर रहे थे। कितना दिन पहले हम लोगों ने रुकवाया था? एक बार एक महीना लगभग एक डेढ़ दो महीना पहले इलेक्शन के पूर्व हम लोगों ने रुकवाया था। उस वक्त हमारा कर्मचारी रितेश कुमार सिन्हा केसरी आके रुकवा दिया था काम। हम लोग सोचते थे रुक गया, उसके बाद अचानक खबर मिली कि इतना बढ़ गया। ढलाई का प्रपोजल था तो मैं स्वयं आया, खुद से बल्कि और लोगों से बुलवाया, इन लोगों ने सुना नहीं। कौन लोग कर रहे हैं काम यहाँ पर? तो कहते हैं कि फागुतुरी कर रहे हैं, लेकिन फागुतुरी उपस्थित नहीं है, उनके चार बच्चे हैं। कौन कौन जी नाम बताओ? क्या काम आप लोग काम करवा रहे हैं? ठीक है, ये लोग काम करवा रहे। कहा कि सब ड्यूटी से मामला आप लोगों ने क्यों करवा दिया और इतना विशाल कंस्ट्रक्शन हो गया, तो उसको काम को रोक दिया गया है। जब तक निर्णय नहीं आता है उसके बाद जो होगा।